ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महाभारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थार मरुस्थल है ये दो देशों में फैला हुआ है, अगर पूछे पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में अगर हम बात करें कितना फैला हुआ है, 15% और 85% कहां पर फैला हुआ है, भारत देश में। लेकिन संपूर्ण थार के मरुस्थल की राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कितना फैला हुआ है, 61.11% मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है। लेकिन अगर कहीं पर भी पूछे कि भारत के कितने राज्यों में मरुस्थल का प्रसार पाया जाता है, तो भारत के 4 राज्यों में मरुस्थल का प्रसार पाया जाता है। कौन कौन से 4 राज्य होंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और इसी मरुस्थलीय भाग को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, महाभारतीय मरुस्थल कहते हैं। और यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है और विश्व का सबसे युवा मरुस्थल। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे युवा मरुस्थल भी कौन सा है, थार का मरुस्थल। सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जा रही है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा युवा मरुस्थल है। और अगर कहीं पर पूछे ये जो थार का मरुस्थल जिस स्थान पर फैला हुआ है वहां पर प्राचीन समय में क्या फैला हुआ था, तो वहां पर क्या फैला हुआ था, 33 साल में फैला हुआ था। अगर बात की जाए डेजर्ट राज क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उस मरुस्थलीय क्षेत्र का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, डेजर्ट मार्च कहलाता है। बीडिया चारणा की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जो गोचर भूमि क्षेत्र है जहां पशु चारण कार्य किया जाता है उसे बीडिया चारणा कहते हैं। बीड क्या है, मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा मिट्टी के जो घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बीड। और अगर पूछे बहुल्या क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान में या संपूर्ण राजस्थान में फसलों के कटते समय जो वायु का चक्र बनता है, वायु विंड वायु के स्थान पर उसे क्या कहा जाता है, बहुल्या कहा जाता है। तो ये याद रखना है प्यारे साथियों। नमस्कार, धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए एक्स क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।